नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल और आपके साथ मैं हूं रीना। भारत की तरह चीन का भी ज्योतिष शास्त्र है और यह खासी सटीक भविष्यवाणियां करता है। चीनी ज्योतिष में जन्म के साल से अपनी राशि का पता लगाया जा सकता है। जिस तरह भारत में 12 राशियों के मुताबिक राशिफल की गणना की जाती है, वैसे ही चीनी ज्योतिष में भी 12 राशियां होती हैं और यह ज्योतिष स्वर्ग, पृथ्वी और जल तीनों में सामंजस्य के सिद्धांत पर आधारित है। वहीं जिसकी राशियां एनिमल साइन पर होती है, ये पशु चिन्ह चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, मुर्गा, बंदर, कुत्ता और सुअर है। साथ ही हर साल का प्रतिनिधित्व एक जानवर करता है और उस वर्ष में जन्म लोगों की राशि संबंधित पशु चिन्ह होती है। साल 2022 से पहले जानते हैं कि चीनी राशिफल के आधार पर आपकी कौन सी राशि है और आप कैसे व्यक्तित्व के मालिक हैं। चूहा पशु चिन्ह जिन लोगों का है, ऐसे लोग जिनका जन्म साल 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 में हुआ है, उनकी राशि चूहा है। इस राशि के लोग बेहद बुद्धिमान, चालाक और कल्पनाशील होते हैं। हालांकि ये लोग एक जगह टिककर नहीं बैठ पाते हैं और कुछ न कुछ नया बेहतर करने के बारे में सोचते रहते हैं। इनकी बैल, बंदर और ड्रैगन राशि वालों लोगों के साथ काफ़ी अच्छी बनती रहती है। सुअर पशु चिन्ह जिन राशि वालों का है, चीनी ज्योतिष के मुताबिक जो लोग 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 में जन्मे हैं, उनकी राशि सुअर है। इस राशि के लोग खुश मिजाज और जिंदा दिल होते हैं। वे भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान में जीते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। ड्रैगन पशु चिन्ह जिन राशि का है, चीन के ज्योतिष के अनुसार 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012 में पैदा हुए लोग ड्रैगन राशि के होते हैं। इसे बहुत सबसे शुभ राशि माना जाता है। ऐसे लोग बेहद चालाक, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं। वे हमेशा अपने काम से काम रखते हैं और पूरा फोकस अपने सफल होने पर रखते हैं और जल्द ही सफल भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं बंदर पशु चिन्ह जिन राशि का होता है, ऐसे लोग जो 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 और 2016 में पैदा हुए हैं, उनका पशु चिन्ह बंदर है। ये लोग बेहद शरारती, मजाकिया और उत्साहपूर्वक जिंदगी जीने वाले होते हैं। हालांकि ये लोग काफ़ी चालाक भी होते हैं और किसी से भी अपना काम निकलवा लेते हैं। अगली राशि है मुर्गा पशु चिन्ह वाली। जो लोग 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 या 2017 में जन्मे हैं, उनकी राशि मुर्गा है। ये लोग बहुत मेहनती, बहादुर और शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग हमेशा अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। बकरी पशु चिन्ह जिन राशि वालों का है, ऐसे लोग 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 में पैदा हुए हैं, वे बकरी राशि वाले हैं। ये लोग हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और नेतृत्व करने से बचते हैं। हालांकि ये मेहनत करने और अच्छा नतीजा देने में माहिर होते हैं। जिन राशि वालों का पशु चिन्ह सांप होता है, जो लोग 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 में पैदा हुए हैं, उनकी राशि सांप है। ये लोग इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होते हैं। हालांकि ये समय आने पर ही अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। इनके लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण इनसे बचकर ही रहना चाहिए। बाघ पशु चिन्ह जन राशि वालों का है, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 में जन्मे लोगों की राशि बाघ है। ये बेहद लक्की होते हैं। अपने नाम के अनुरूप ये साहसी, निडर होते हैं, लेकिन अहंकार के कारण कई बार नुकसान करा बैठते हैं। जिन राशि वाले लोगों का पशु चिन्ह स्वान होता है, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 के लोग स्वान राशि के होते हैं। ये वफादार और सेवा भाव रखने वाले होते हैं। ये अपने दोस्तों और परिजनों के साथ खुशनुमा जिंदगी बिताते हैं। अब बात करते हैं बैल पशु चिन्ह वाले लोगों की, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और 2021 में पैदा हुए लोगों की राशि बैल है। ये लोग अपनी राशि चिन्ह बैल की तरह मेहनती, सीधे और हमेशा एक ही रास्ते पर चलने वाले होते हैं। अगली राशि है खरगोश पशु चिन्ह जिन राशि वालों का होता है,
1951, 1963, 1975, 1987, 1997, 1999 और 2011 में जन्मे लोगों की राशि खरगोश है। ये भी लोग बेहद खूबसूरत, चंचल और आकर्षक होते हैं। इनकी विनम्रता इनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देती है। इसके बाद आखिरी राशि है घोड़ा पशु चिन्ह की राशि। 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014 में जन्मे लोगों की राशि घोड़ा होती है। ये लोग बहुत मेहनती, टैलेंटेड और एनर्जेटिक और उदार होते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।